ओ भाई ओ भाई, ये तो फिल्टर की तक तक हालत खराब हो रही थी भाई। ये भाई मिसिंग नहीं मारी किसे, तो दम तोड़ना चाहिए। वो पता नहीं कैसे जिंदा है ये, पता नहीं मेरे को लग रहा कंपनी ने चेंज करते हैं, पैसे ले लेते सर। कौन कह देगा ये 4000 किलोमीटर पहले चेंज कराया। इंजन फ्लश करा रहे हैं इंजन का, पता नहीं कितना टाइम से ऐसी रस्ट खा रखी है। ब्रेक पैड के हाल तो बड़े सड़ा दिए इसने भाई। ये देख कंपनी ने पैसे तो ले लिए, फिल्टर चेंज किया नहीं। और भाई ये हमारी थ्रोटल बॉडी जब से बाइक ली तब से क्लीन नहीं हुई है, कंडीशन देख लो अंदर से कैसे भी लुक लग रही है, जरूर कमेंट करना। मेरे को तो बड़ी कैंट लग रही है आगे से। हे गाइस वेलकम बैक टू रेडियो चलम वंस अगेन। तो भाई आज हमारी जो बाइक है ना, पीछे बैक साइड का टेल टाइट ये आया, टेल पैनल आया। तो टेल पैनल जैसे आया भाई तो इसी का वेट कर रहा था मैं बेसिकली। पूरी बाइक की बॉडी रेडी पड़ रखी है चेंज होने के लिए, और ये वाला टेल पैनल पूरा टूट रखा था तो इसे चेंज करवाएंगे आराम से जाके। तो अभी बजाज नया वाले बजाज के पास जाते हैं, और इसका जो प्राइस आपको पता है ऑलमोस्ट कि भाई काफी ज्यादा लगता है बजाज कंपनी में अगर आप बॉडी पार्ट चेंज कराते हो। बट मेरे को ना यार काफी टाइम हो गया वीडियो नहीं बना पा रहा हूं मैं। रीजन क्या है कि भाई फरवरी को मैं अपने गांव से आ गया था, और फरवरी 17 से आज हो गए 3 अप्रैल हो गए, तो अभी तक मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई। और रीजन बता दूं उसके बीच में मैंने अपने R15 भी वो यामा में ड्रॉप करके आया था जो दूसरे चैनल पर अपलोड की। हमने ये वाली बाइक यहां दिखाई थी बट यहां उस टाइम बात बनी नहीं, अब लेके आ गया तुम्हारा भाई से। तो गाइस अपनी डोमिनार है, अपने नया गांव बजाज एजेंसी दे दी और डोमिनार लेके जा रहे हैं हम एक सेक्टर। तो भाई अभी जस्ट अपनी जो डोमिनार है इसकी सर्विस करवाएंगे, इसके भी काफी टाइम हो गया सर्विस नहीं कराई करण भाई ने। इसके भी दो बार कलर प्लेटें उड़ गई ना वैसे। अरे दो बार नहीं, गलती तेरी है मैं मानता हूँ, पर कितनी बार चेंज करा दी, एक बार डुप्लीकेट करवाया, दो बार हो गई ना। हाँ ये तो है। तो भाई फाइनली किस सेक्टर पहुंच गए, चलते जावेद भाई के पास, यहाँ से अंदर को निकाल ले बाइक, यहाँ से अंदर को ना शॉर्टकट निकल जाएगा, आगे से कौन मोड़ के लाएगा। तो जो हमारी ये बाइक है ना भाई, इसकी कंडीशन ऐसी हो रही है, अभी खस्ता मतलब काफी टाइम से घर में खड़ी रही, ज्यादा चलाई नहीं है, डिस्क में रुक जा इधर को मोड़ रहा है भाई, इधर को मोड़ रहा है। एक तो हमने जो बाइक है ना ज्यादा चलाई नहीं है, और इसमें रस्ट लग गया डिस्क वगैरह में, ब्रेक पैड हार्ड हो रखे, और बहुत सारी चीजें जो बाइक में करवाने को हो रही है। टायर इसका पूरा खत्म हो रहा है, फ्रंट वो भी चेंज कराएंगे बट कल कराएंगे, आज जैसे मर्जी वैसे चला लेंगे, हल्का फुल्का इसमें थोड़ा बहुत काम करवा के। तो गाइस ये भाई हमारा इंजन फ्लश करा रहे हैं इंजन का, काफ़ी टाइम से बाइक सर्विस नहीं हुई है, सर्विस तो हो रही है बट ज़्यादा चली नहीं है, तो रस्ट पकड़ रखा बाइक ने प्रॉपर, तो उसके लिए फ्लश कराएंगे। डालते हुए ऊपर से थोड़ा दूर से रखियो, पता चले कलर कैसा है साले का। ओ भाई तो पूरा इंजन वाली की तरह ही है, डोमिनार है ना उसमें डलेगा कैस्ट्रोल का पावर ऑन अल्टीमेट, जिसमें भाई 2050 डलवा रहे हैं हम जो कंपनी रिकमेंड करती है। प्लस अभी जो हमारा इंजन है ना उसमें हमने फ्लश डाल दिया, थोड़ा देर में फ्लश हो जाएगा अच्छी तरह, बाइक स्टार्ट करके छोड़ रखी है, फिर उसका सर्विस दिखाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया बाइक घर में खड़े खड़े भाई जंग पकड़ चुके हैं, ऑलमोस्ट आधे ज़्यादा पार्ट उसके रस्टेड हो चुके हैं, और काफ़ी टाइम के बाद मैं भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी लग सकती है, तो उसके लिए सॉरी भाई। दोबारा बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो क्या क्या चीज़ें डोमिनार में कराते हैं, और अपनी आरएस भी रेडी होने वाली है तो घर जाके अपनी आरएस भी हम देख लेंगे भाई। पता नहीं कितना टाइम से ऐसी रस्ट खा रखी है, ब्रेक पैड के हाल तो बड़े सड़ा दिए इसने। कितना वेट है इसका भाई, अपनी आरएस का सस्पेंशन और का पूरा डेड, तो इसका प्राइस पता कर रहा था मैं, ये चेंज करवाना था आरएस का एक बार ना, है सेम ही है एनएस और आरएस के, ज्यादा चली नहीं है, तेल तो ठीक कंडीशन में पड़ा है। ओ भाई ये तो फिल्टर की तक तक हालत खराब हो रही थी भाई। ये भाई मिसिंग नहीं मारी किसे, तो दम तोड़ना चाहिए, वो पता नहीं कैसे जिंदा है ये, पता नहीं मेरे को लग रहा है कंपनी ने चेंज करते हैं, पैसे ले लेते साले। अभी कौन कह देगा ये 4000 किलोमीटर पहले ही चेंज कराया। नहीं 4000 किलोमीटर चेंज नहीं हुआ, 4000 भाई इसे चेंज कर दे यार। भाई ये देख कंपनी ने पैसे तो ले लिए, फिल्टर चेंज किया नहीं, और भाई तो पूरी मिट्टी छोड़ रहा हूँ भाई, प्रॉपर मिट्टी छोड़ रहा प्रॉपर। तो भाई इसकी हो रही है थ्रोटल बॉडी क्लीन, और इसके लिए ना पूरा बॉक्स खोलना पड़ रहा है, तो अभी सिर्फ हाफ काम हुआ भाई इसका भी ना, थ्रोटल बॉडी क्लीन होगी उसके बाद जाके गाड़ी रेडी होगी, मतलब पूरी प्रॉपर सर्विस करा रहे हैं। बेसिकली बता दो इसमें इंजन तो नॉर्मल बेसिक चीज़ होती है, बट आज थ्रोटल बॉडी क्लीन भी करा रहे हैं, कोलेंट भी टॉप अप कराएंगे या इसे चेंज कराएंगे, कुछ आइडिया नहीं अभी भाई। ये हमारी थ्रोटल बॉडी जब से बाइक ली तब से क्लीन नहीं हुई है, कंडीशन देख लो अंदर से, ऐसी कंडीशन थी बाइक, बहुत ज़्यादा मिसिंग मार रही थी, पूरी गंदी पड़ी भाई इस साइड से चक्कर। तो भाई हो गई अपनी थ्रोटल बॉडी एकदम क्लीन, वॉश करने के बाद देख लो कैसे साइन मार रही है, काफी ज्यादा मिसिंग मार रहे थे यार, इसकी वजह से ना अब सेट होगी। हाँ भाई गुस्सा भी क्या कर, फूट में आके बना रहे आप लोग हमारे सामने भी बना ले भाई, बता कैसी ना भाई, बाहर ना बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, तो फिर अपनी वीडियो खराब हो जाएगी इसलिए। अच्छा खोपचे में काम चलेगा भाई, सबसे टफ होता है थ्रोटल बॉडी की सेटिंग बिठाना, और इसके लिए ना काफी ज्यादा पेशेंस के साथ काम करना पड़ता, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होती है, इसके इंजेक्टर हो गए, इसके वायरिंग हो गई, इसके नट्स बोल्ट हो गए, और रेस वगैरह हर एक चीज़ ध्यान रख के इसमें ना टाइट करना पड़ता है, और इसे बड़े प्यार से कहते हैं ना, इसे एकदम प्यार से शिद्दत से ये काम होता है।
इसका पेट्रोल फिल्टर पूरा ही जा चुका है, अभी नई नवा डाल रहे अपना। तो भाई लास्ट टाइम दूसरा वाइजर डलवाया था, इस बार ये वाला डलवा रहे हैं। और अपनी जो बाइक है ना ऑलमोस्ट पूरी सर्विस कंप्लीट हो गई, बस एक लास्ट वाइजर रह गया, उसके बाद निकलते इसके बाद इसकी लुक देखते कैसी आ रही है। भाई कैसे भी लुक लग रही है जरूर कमेंट करना, मेरे को तो बड़ी कैंट लग रही है आगे से, मतलब डायनासोर वाला फेज आ रहा, काफ़ी बल्की लग रही बाइक अब लग रही है ना बाइक होगी कुछ। तो भाई अपनी डोमी रेडी हो गई है, वाइजर लगा के और कैंट लग रही है, कैडी पीस लग रही है। अब इसकी टोटल कॉस्ट की हम बात करें 3700 आया टोटल बिल हमारी इस बाइक पे, और इसके हमने थ्रोटल बॉडी क्लीन कराई, इंजन ऑयल चेंज हुआ था और बेसिक सर्विस हुई जिसमें थ्रोटल बॉडी अलग से हमने एड ऑन कराई, ब्रेक पैड चेंज हुए इसके और हमारे जो आगे वाइजर वो भी चेंज हुआ था। 3700 का बिल बना, ज़्यादा बड़ा बिल नहीं है भाई, बहुत इनफ काम, मतलब अच्छा काम हुआ जिस प्राइस रेंज में है ना, बहुत अच्छा है। अभी बाइक ना एकदम मस्त चल रही है, टायर भी चेंज कराना है जो हम कल कराएंगे, आज टाइम नहीं है, पूरा दिन हमारा ख़राब हो गया, इसमें बारिश हो रही थी बहुत खतरनाक, बट अभी इतना प्यारा मौसम हो रखा ना भाई, धूप निकल आई है, जो हमें चाहिए था वो हो गया, अब स्वाद आएगा ना बाइक चलाने का। और एमसील भी ले ली हमने और ये इंजन ऑयल बच गया तो ये घर लेके जा रहे हैं, 550 ml नेक्स्ट टाइम सर्विस कराएंगे तो एक इंजन ऑयल लेंगे और बाइक में डाल देंगे, टॉप अप हो जाएगा दोनों का। पीछे की ब्रेक लग रही है, अब पीछे की ब्रेक लग रही है ना, अब सही हो गया।